बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, ये हमारा पीरियड जो है, हमारा थर्ड ईयर का चौथे पेपर के बारे में जो था, हमारा तीसरा हिस्सा। हमारा पेपर 300 पर मोस्ट पे होगा, प्लीडेंस पे होगा, कन्वेंस पे होगा, और उसके बाद जो है जनरल जो है उसका जनरल क्लासेस लॉ पे होगा। तो इस पे हम पहले बात कर चुके हैं कि ये हम लॉ कॉलेज की तरफ से ये हम आपको जो है गाइड कर रहे हैं, आपको ये कन्वे कर रहे हैं, आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होने का और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की जो है वो गाइडेंस कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में ये है कि सम टाइम, जब पिछले लेक्चर में भी हमने ये बात की कि एक सवाल को 10 तरीकों से पूछा जा सकता है। मसलन जनरल क्लास एक्ट के तहत 21 सेक्शन कहेंगे कि इसको एक्सप्लेन करो, या किसी अथॉरिटी के पास वो पावर है तो वो क्या वो पावर जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, उस पावर के तहत उसको ऑर्डर को रिमूव कर सकता है, मेंड कर सकता है। ये सारी बातें जब आपको सेक्शन की बेस का पता होगा तो फिर उसको आसानी से समझ जाएंगे। जब आपको सेक्शन का पता नहीं होगा तो फिर आप परेशानी में होंगे कि ये मैंने पता नहीं ये कहाँ से क्या बात आ गई। इसके लिए हम एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो है मसलन ये एक फिगर मैंने ली 30। अब 30 से आपके जहन में आप एक लम्बा सोचें कि क्या असर पैदा होता है। यकीनन कुछ भी नहीं, 30 कुछ भी नहीं करता। अगर इसके साथ मैं ये लगा दूं 2, अब ये क्या होगा 302। अब आपके जहन में फौरन एक ऑफेंस आ जाएगा, आपने PPC पढ़ा तो वहाँ पे ऑफेंस की पनिशमेंट आ जाएगी, वहाँ ऑफेंस की एक्सेप्शंस आ जाएंगी। इसी तरह अब जिसको 30 की इन सारी बातों का पता है तो वो फौरी तौर पर कॉन्शियस हो जाएगा कि ये तो बहुत बड़ा फैक्स है, इसकी तो सजा ये है, इसकी डेथ पेनल्टी है। इसी तरह जब 302 पढ़ने के बाद आपके जहन में एक बात आ गई तो इसी तरह जब आपको चूंकि इसका पता है, इसी तरह आपको 21 सेक्शन जब पता होगा तो फिर आप पेपर में उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। अब 21 क्या कहता है, देख रहे हैं ये कहता क्या है कि ये किसी को, जैसे कि हमने लॉ को पढ़ा कि लॉ में एक एजेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत असेंबली है, प्रोवेंशल है, फेडरल है, इसी तरह किसी भी जो है अथॉरिटी के पास कोई इख्तियार होता है, मसलन कोई सर्विस दे सकता है, कोई लॉ बना सकता है, रूल बना सकता है, जो भी वो काम कर सकता है उसको हम अथॉरिटी कहते हैं। वो अथॉरिटी अपने किए हुए काम को, जो भी वो लॉ बनाने लॉ मेकर है, वो लॉ कोई तकर्री करने वाला है वो तकर्री कर सकता है, तो अपनी उस ऑर्डर को मेंट कर सकता है। जैसे हमने पढ़ा लॉ के अंदर जो अथॉरिटी है लॉ मेकर लेजिस्लेशन है कि वो उसके अंदर मेंट भी कर सकती है, ऐड भी कर सकती है, उसको खत्म भी कर सकती है। इसी तरह किसी और काम के लिए जो भी अथॉरिटी होगी वो उसको तकर्री भी कर सकती है, खत्म भी कर सकती है, लॉ भी बना सकती है और उसके अंदर अमेंडमेंट भी कर सकती है, उसको बिल्कुल खत्म भी कर सकती है, उसको सम टाइम के लिए स्टॉप भी कर सकती है। ये इसका बुनियादी पर्पज होता है। तो इसको मैक्सिमम भी होता है, लेक्शन पोटेंशियल ये कहते हैं। लेकिन सम टाइम इसके अंदर कुछ कंसर्न भी होती है, जैसे हमने 302 के अंदर एक्सेप्शन देखी, ये उसके अंदर तो एक्सेप्शन है, 302 भी है, बंदा मर गया, कत्ल हो गया, केस भी चल गया, लेकिन उसको एक्सेप्शन है कि वो सेल्फ डिफेंस में है, प्रॉपर्टी की डिफेंस में है। इसी तरह इस जो ये मैक्सिम है या ये सेक्शन है ये कहता है कि सम टाइम किसी को उस ऑर्डर के तहत वो राइट अप्रूव हो जाता है तो फिर उसको सम लिमिटेशन की बुनियाद पे या उसकी जो मुद्दत गुजर जाती है उसको ला की फिर प्रोटेक्शन हो जाती है। तो इसके लिए जो है हम इसको
एक्सप्लेन करना है, हमने इससे घबराना नहीं है, ये 21 को हमें आना चाहिए। यहाँ पे हम जितने भी लेक्चर दे रहे हैं, दूसरे टीचर भी जो वहाँ पे, ये सारी बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि यहाँ पे हम आपको सिर्फ थोड़ा सा गाइड करेंगे। इसके लिए एक मुकम्मल जो समझने के लिए आपको रेलिवेंट जो सेक्शन है, रेलिवेंट जो लॉ है, उसको पढ़ना पड़ेगा। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपकी समझ में जो ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बात आ जाएगी। तो इसके लिए आप रेलिवेंट जो है आप सेक्शन 21 है उसको पढ़ेंगे, सेक्शन 16 है, 15 है, इनको पढ़ेंगे। इसके तहत जो तकनीकें हैं वो हो जाते हैं, यहाँ पे जो इख्तियार है वो होता है, ये सारे सेक्शन हैं आपने वहाँ पे इनको एक्सप्लेन करना है। तो ये है इनकी पर्पस, तो आप इसको देख लें। वहाँ पे नंबर सेल का नंबर मौजूद है, अगर किसी को कहीं टॉप के पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम हो तो वो रब्ता करके वो वजाहत ले सकता है। बहुत शुक्रिया।